देखो अखिलेश क्या क्वालिटी वर्क है, इतना टफ है, बहुत एक्सपर्ट्स को भी बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये राइट एंगल बनाने का, इधर डिफरेंट एंगल अब्ट्यूज एंगल करने का, ये एक एंशियंट मूच है, ये क्या किया रे प्रदीप, भगत सिंह ऑलवेज चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह क्रांतिकारी लोग ये मूछ टाइप करते थे, लगने का टाइम भी भगत सिंह ऐसा लगाते मूछ, वो एक पावर संकेत है, ये आंख में आशा हो जाते हैं वो लोग का त्याग देख के, वो खुशी का बात है, छोटा भारत है ये। मेरे को ये क्यों पसंद आया मालूम है, ये समर्थ स्वामी समर्थ रामदास जी का गाना इधर से आता था, एक ही एक चेयर का एक सलून था, ये सलून का मालिक के माता पे तेजस था, एक फीलिंग आया इधर अंदर आने के लिए, लाते तीन चार सलून वाला मेरा मूंछ खराब कर दिया था, इधर भी तो सलून है उधर भी सलून है, तीन चार आपको मालूम है मेरा मूंछ खराब करके बाद में ये कर दिया, ये आदमी को एक चैलेंज था, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं किया, इनका हाथ में कुछ हेरिडिटरियल जीन्स है लगते हैं, ओके मैं इनको आके एक ही प्रश्न पूछा कर एक ही प्रश्न पूछा, इतना उजाला रहने के लिए एक आदमी के अंदर एक तो लोन नहीं रहना चाहिए, बरोबर, इनको पूछा आपको लोन कितना है, तो बोला लोन का मतलब क्या, कर्जा, कर्जा कितना है, बोला मेरे को कर्जा नहीं है, बोला महाराष्ट्र वाला है ये, इनका नाम पूछा, ये बोला प्रदीप काशिद, काशिद का मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, नाम सुन के मस्ती सीरियस मैटर ही है, अच्छा, क्योंकि ये हमारा राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज का सेवा करने वाला, शेविंग करने वाला, मतलब शौर करने वाला, ओके, का नाम भी शिवा काशिद था, ओके, इनको पूछा वो और आपका संबंध क्या, बिका वो हम लोग का पूर्वज है सबका, ग्रेट, मैं इनको बोला आपको ग्रेट नहीं लगता है क्या, हाँ। नहीं नहीं लगता है सर, ऐसा बोल के नहीं देना चाहते क्योंकि पूरा सतारा महाराष्ट्र रायगढ़ इधर भी देखो काशिद बहुत लोग है, बोलो किसी को भी ऐसा ईगो नहीं है, ओके, मैं बोला बॉम्बे में दूर दूर से ऋषिकेश हरिद्वार से आके इधर बड़ा बड़ा दुकान खोल के, हाँ, देखो ना वो जावेद अभी, हाँ। इतना छोटा दुकान में क्या रहे, इतना में खुशी है, बोला वो इतना में खुशी है, इतना में इनकम आता है, इससे मेरा घर चलता है, मैं घर से खुशी से रहता है, मेरे को ये आदमी का एक बात है ना वाइब्रेशन हुआ, ओके, अब किधर जाको चमक रहते सब कुछ रहते है, लोन रहते है, टेंशन रहते है, कभी कभी ये लोन उतरेगा, ये इनको ये टेंशन नहीं है, आज का आया 10 जन का शेविंग किया, हेयर कट किया, खुशी से घर जाते हैं, माँ बाप से रहते हैं, बच्चे के साथ रहते ये रहते हैं, आप पूछ सकते हैं क्या काशिद का स्टोरी, शिवा काशिद शिवाजी महाराज का पर्सनल शौर काम करता था, ओके, पन्नाड़गढ़ में शिवाजी महाराज फुल हाई टेंशन में था, क्योंकि पन्नाड़गढ़ का नीचे बीजापुर का 2 लाख का ऊपर सैन था, सेना, अच्छा, शिवाजी महाराज को पूरा घेरा किया था, ओके, नो रास्ता, हिस्टोरिक इवेंट, उधर से छुड़ ही नहीं सकता है आदमी, खत्म, डू आर डाई, नमक भी खत्म होने लगा गढ़ में, पन्नाड़गढ़ में, ये शिवा काशिद ऐसा ही शिवाजी महाराज का करता था, वो टाइम काशिद पूछा राजे आपका सोच किधर है, क्या सोच रहे हो, ये बोला स्वराज मेरा अंत कुछ नहीं करता है चलता है, स्वराज कंटिन्यू होना चाहिए, ये बात बोलते हैं शिवाजी महाराज, उनका मुंह देखेगा तो सेम फेस है शिवाजी महाराज का, ऑलमोस्ट इक्वल फेस है वो, ओके, शिवा काशिद का सिमिलर था एकदम, वो बोलता है राजे
आप परमिशन देगा तो ये देश के लिए जान देने के लिए मैं तैयार है। ग्रेट। कैसे? बोलता है आपका रूप में मैं शत्रु सेना में चले जाते फंस जाते वो आपका पूरा सेना लेके बाजी प्रभु देशपांडे से सबका लेके आप विशालगढ़ जा सकते। वो टाइम वो लोग भी सोचता था विशालगढ़ जाने के लिए लोग टाइमिंग चाहिए था आधा घंटा का टाइमिंग बचता वो लोग को छूटने के लिए उधर से वो आधा घंटा बचाने के लिए जान देने का तैयार हो गया शिवा काशी से। ग्रेट। उनको वो डोली में बिठा के शिवाजी महाराज जैसे अलंकार करके सीधा वो लोग चार डोली वाला आगे दो पीछे दो बीच में ये शिवा काशी डोली में बैठा है थोड़ा सैन्य ऐसा नाटक करके गया वो लोग पकड़ लिया वो लोग पकड़ के महाराज मिल गया शिवाजी महाराज मिल गया बोल के वो लोग खुशी से डायरेक्शन लेस हो गया अभी खत्म हो गया युद्ध सब लोग खुशी से रहने का टाइम ये पीछे का रास्ता से शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे से लेके निकल गया निकल गया बट उसमें महापुरुष बाजी प्रभु देशपांडे हुतात्म बन जाते भगवान को देह अर्पण कर जाते वो दोनों हाथ से खड्ग लेके लड़ते वो भी हिस्टोरिक इवेंट है। अच्छा? नॉर्थ में दीप सिंह और दक्षिण में ऐसा वॉरियर देखा ही नहीं शत्रु लोग इनका वॉरियरशिप देख के स्टन हो जाते वो लोग सब खड़ा हो जाते। अच्छा? वो हिस्टोरिक इवेंट है वो दिन ये क्लिनिक में मेरे को पूरा फीलिंग आ गया अकेले। तो वो काशीतकर को फिर क्या किया? ये काशीतकर को शिवाजी महाराज क्या देने का वो शिवाजी महाराज एक धर्मात्मा था बराबर वो भेदभाव नहीं करता था इनको जीवा होने दो इनको वो लोग को त्याग के लिए बट जन उन लोग को सिर के ऊपर बिठा दिया मेरा शिवाजी महाराज को बचाने वाला हीरो बोल के उनको जान से निकल गया वो उनको मारा नहीं शत्रुसेना वो शिवाजी महाराज कितना अच्छा था मालूम है किसी को जान बचाने के लिए सोचता था उनको भी जान बचाने के लिए अरेंज किया था। अच्छा वो बच जाते उनको उनको पब्लिक की इतना खुशी दे देते सब लोग आपके खेत देते ये देते वो लोग का वंश इतना पवित्र हो जाते शिवाजी महाराज को जान देने के बाद वो जिंदा है उनका आज भी ये लोग सब ये संस्कृति है देखो संस्कार है लोन नहीं करता है ये लोग सोचेगा तो नाम लेके जी सकते वो परसों वीडियो को मना किया बराबर बिल्कुल मना किया आज आपको लेकर आके वीडियो कर रहा है क्योंकि इनको दिखाना चाहते मैं लोगों को ऐसा ब्रीड है काशित करता ऐसा पूरा महाराष्ट्र में पहला हुआ है आज भी वो लोग वो संस्कृति कर रहा है वो लोग का काम कर रहा है लोन नहीं कर रहा है ये खुशी का बात है। शिवाजी महाराज का और एक चीज बताना चाहते बात करने का टाइम करने का मुश्किल है ना वो अखिलेश वो गरीब का बंधु था शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज का टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा था आज वो समझेगा तो कोई सरकार है ना शिवाजी महाराज को बचपन से जीजा माता जी एक सिखाया था रामायण महाभारत के टाइम से टैक्सेशन कैसे रहना चाहिए बराबर वो हमारा देह समझो ये हार्ट है इधर बिठाया वन थर्ड ऊपर है टू थर्ड नीचे बराबर पैर है ना गरीब जैसे काम करते बराबर पैर को फ्री ब्लड सप्लाई बराबर देखो इधर से ग्रेविटेशनल फ्री ब्लड सप्लाई बराबर ऊपर से पंप करना पड़ते इसलिए ऊपर से टैक्स कलेक्ट करते बराबर ऊपर अमीर लोग का एक सिस्टम है ऊपर से टैक्स लेता है नीचे पूरा सप्लाई करता है पेट का काम करता है डाइजेस्टिव काम करता है इसको भी फ्री टैक्स है पैर मेहनत करता है इसको भी फ्री टैक्स है बराबर अगर ये पैर को भी टैक्स कर दिया पेट को भी टैक्स कर दिया कोलैप्स हो जाता है बॉडी बराबर ये सिस्टम समझेगा तो कोई सरकार आने दो गरीब को तकलीफ नहीं देना चाहिए बराबर ये शिवाजी महाराज करता था। अच्छा हर किसी को लोन नहीं होना चाहिए खेत देता था हर सोल्जर को एक एकड़ खेत मिनिमम था ये आजकल ये सरकार लोग ये फॉलो कर दिया गरीब को तकलीफ नहीं होना चाहिए किधर टाइम है अखिलेश एक हफ्ते पूरा ऑफिस जाने का है संडे एक दिन रहते संडे ऑफिस बंद रहते रेशन ऑफिस में जाने का है
अदर ऑफिस में जाने का है, दोनों दिन वो भी बंद रहते हैं, ऑनलाइन करने का है, ऑनलाइन किसी को नहीं आते, बरोबर, गरीबी को तकलीफ नहीं होना चाहिए देश में। सही बात है, अभी तो कर दिया महाराजा राजे छत्रपति शिवाजी महाराज का फुटप्रिंट में हम लोग बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं सही बात है, अगर उनका फुटप्रिंट पे चलेंगे हम लोग तो फिर गरीब को तकलीफ ही नहीं किसी भी चीज का। यहाँ तो सिस्टम ही पूरा अलग ही चल रहा है इनका। ये देखो ये स्वामी समर्थ का गाना, ये शांति रहते अखिलेश, चाहे तो आप इधर आके एक बार देख लो और इनका तेजस देखो कैसे। ओके प्रदीप, एक काम करो, अपना ये दुकान का एड्रेस बताओ और नंबर का जरूरत नहीं, आपका लिए एड्रेस बताओ। बोर्ड पे लिखा है क्या? बोर्ड पे है पूरा? नंबर भी है। नंबर भी है क्या? ओके ओके। ठीक है, ये इनको बहुत धन्यवाद। मेरा हिंदी इनको समझ में आता है नहीं मात्र। आपका ये वीडियो हम लोग फेसबुक में डालेगा, आपका अनुमति चाहिए। आप बोलो बेटा। देखो अखिलेश क्या क्वालिटी वर्क है, इतना टफ है, बहुत एक्सपर्ट्स को भी बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये राइट एंगल बनाने का, इधर डिफरेंट एंगल अप्यूज एंगल करने का, ये एक एंशियंट मूछ है, ये क्या किया रे प्रदीप, बहुत टफ है अखिलेश ये, इसको शेप देना वो सही बात है। ठीक है, मूछ का ऊपर मेरे को इतना शौक नहीं था, बट भगत सिंह ऑलवेज, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह क्रांतिकारी लोग, वो लोग पासी लगने का टाइम भी भगत सिंह ऐसा लगाते हैं मुझ। वो एक पावर संकेत है, ये आंख में आशा हो जाते हैं वो लोग का त्याग देख के, वो खुशी का बात है। थैंक यू।